आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर में एक नाबालिग रेप पीड़िता ने खुद को आग लगा ली है। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने खुद को आग लगा लिया है। इंडिया न्यूज संवाददाता श्रीपाल शक्तावत मेरे साथ मौजूद है। श्रीपाल, क्या है पूरा मामला? बिहार की रहने वाली है और यहाँ पर किराए के मकान में रहती थी। उसके माँ बाप बाहर गए हुए थे, पड़ोसी से उसने मोबाइल मांगा था ताकि बात कर सके। वो एक ही मकान में दोनों रहते थे, तो मोबाइल देने के बहाने से उसको अंदर खींचा गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया। उसके बाद आहत इस बालिका ने आत्मघात की कोशिश की, तो 50% के आसपास बर्न हुआ है। वो उसको बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, गंभीर हालत। क्या लड़की की हालत स्थिर है? लड़की की हालत अभी डॉक्टर्स के मुताबिक गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और अभी तक खतरे से बाहर वाली स्थिति उसके बारे में नहीं कही जा सकती। क्या विक्टिम का बयान दर्ज किया है पुलिस ने? जी बिल्कुल, बयान लेने की कवायद की जा रही है और उसकी दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, पीड़िता का भी इलाज किया जा रहा है, सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत शुक्रिया श्रीपाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही, बस थोड़ा संसार के बाद खबरें जारी हैं।